हमारे चैनल तो आज हम बनाएंगे केरल स्टाइल फिश करी। चलिए हम केरल स्टाइल के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो हम देख लेते हैं। थॉमस के लगेंगे फिश, जिसको नींबू और हल्दी नमक और लाल मिर्च डाल के हमने मैरिनेट कर लिया था 10 मिनट्स के लिए, और हमने ऑनियंस ले लिए थे और कोकोनट मिल्क, हमने कोकोनट का पेस्ट बना लिया था, उसमें मिल्क पानी डाल के और उसका मिल्क निकाल लिया, और हमने इमली का पेस्ट लिया है, टमाटर प्यूरी और करी पत्ता, हरी मिर्च, राई और ये अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी, सूखी लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और सॉल्ट, और हम दो टिप्स बताएंगे आपको। तो वो दो टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं, और वो पहली टिप है कि आप जब फिश धोते हैं तब आपके फिश से तो स्मेल आती है, तो उसके लिए आप जिस रोटी बेलते हैं उसका आटा फिश पे लगा दीजिएगा और फिर उसको 5 मिनट्स के लिए रख दीजिएगा और फिर वॉश कर लीजिएगा, तो उससे स्मेल नहीं आएगी। और दूसरी टिप कि आप जब फिश धोते हैं तब आपके हाथों से स्मेल तो आती है, तो उसके लिए हम भी एक टिप लाए हैं। उसकी टिप है कि आप बेकिंग पाउडर लीजिएगा और अपने हाथ पे रब कीजिएगा और फिर हैंड वॉश से उसको धो लीजिएगा। तो ये है हमारी आज की दो टिप्स। तो चलिए अब हम फिश बनाना शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है, आप भी मस्टर्ड ऑयल डालिएगा, उससे टेस्ट अच्छा आता है। पहले हम राई डाल देंगे, अब हम इसमें करी पत्ते डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे, अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारे ओनियन फ्राई हो रहे हैं, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें हमारे सारे सूखे मसाले डाल देंगे, अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डाल देंगे, हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे,
देखते हमारे फ्राई हो गए हैं। तो जब ये फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें चीज डाल देंगे। हम चीज डाल लेते हैं अभी। हम ज्यादा फिश को नहीं लाएंगे नहीं तो फिश टूट जाएंगी। अब हम इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा। अब हम इसको ढक्कन लगा के 5 मिनट तक पकने देंगे। तो अब हम इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। तो हमारा 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें कोकोनट का पेस्ट डाल देंगे। अब और हम इमली का पेस्ट डाल देंगे। हम इसे ढककर 10 मिनट तक पकाएंगे। तो फिर हमारी करेरा फिश कड़ी रेडी हो जाएगी। तो देखिए 10 मिनट के बाद हमारी फिश कड़ी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो हम गैस बंद करके इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए हमारी करेरा फिश करी रेडी हो चुकी है। तो आप भी इसे घर पे बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये कैसा बना। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बाय दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो पर।